अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 22 और 23 की रीडिंग करते हैं। ये हमारी न्यू बुक है ए टू एम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जो ए से, बी से, सी से, डी, ई और एफ से स्टार्ट होते हैं, उनको रीड करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एथलीट। एथलीट का मतलब बेटा वो होता है जो पार्ट करता है गेम्स में, एक्सरसाइज में, ठीक है, कम्पीट करने के लिए, जीतने के लिए, ठीक है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एथलीट। बी फॉर बोट, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बेबी। सी फॉर कोट, सी फॉर कैप, सी फॉर क्लॉक। डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉल। ई फॉर एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है कि बाहर निकलना किसी चीज से, ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल हम मूवी देखने, कार्टून मूवी देखने जाते हैं, तो हम दूसरे डोर से, एक एंट्री का डोर होता है जिससे हम अंदर आते हैं, एक एग्जिट डोर होता है जिससे हम बाहर जाते हैं, ठीक है। ई फॉर एग, ई फॉर एल्फ। ई फॉर एफ, एफ मीन एक मैजिकल क्रिएचर होती है जो ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह दिखती है, ठीक है। एफ फॉर फेरी, फेरी मीन परियां। एफ फॉर फ्लाई, एफ फॉर फैन। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एथलीट। बी फॉर बोट, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बेबी। सी फॉर कोट, सी फॉर कैप, सी फॉर क्लॉक। D for dog, D for drum, D for doll. E for exit, E for egg, E for F. F for fairy, F for fly, F for fan. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।